दिनेश कार्तिक का अब इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया है ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उनको पिक नहीं किया गया है न्यूजीलैंड T20 के लिए, बांग्लादेश T20 के लिए, और अब एक बात साफ है कि वो टीम इंडिया के T20 सेटअप का पार्ट नहीं है। और अब संजू सैमसन को ग्रूम करने की तैयारी कर ली है सेलेक्टर्स ने, टीम मैनेजमेंट ने। हालांकि कुछ लोग जो कभी क्रिकेट नहीं खेले वो कह सकते हैं कि दिनेश कार्तिक डिजर्व करते हैं ऐसा, लेकिन हकीकत ये है कि दिनेश कार्तिक का एक बड़ा ही ग्लोरीफाइंग करियर रहा। उनको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपने करियर पे, क्योंकि जितने कमबैक उनके हुए इतने पूरी दुनिया में शायद ही किसी ने किए हों। 2004 में उन्होंने पहला मैच खेला था, 2022 में भी वो मैच खेल रहे हैं। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में वो खेले थे, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भी वो खेल रहे हैं। वो खेल रहे थे तो ना विराट कोहली का डैप भी हुआ था तब, ना रोहित शर्मा का डैप भी हुआ था, ना अश्विन का डैप भी हुआ था, और वो अभी भी खेल रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब धोनी थे खुद कप्तान थे तो धोनी के रहते हुए किसी दूसरे विकेट कीपर की टीम में गुंजाइश नहीं थी। ऐसे में बहुत से विकेट कीपर का कैरियर लगभग खत्म ही था, जिनमें पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक दो मुख्य विकेट कीपर थे जो हमेशा बैकअप बन के रहे। लेकिन दिनेश कार्तिक इसके बावजूद अपनी बैटिंग के दम पर लगातार वापसी करते रहे। वो 2007 की T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे, वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा थे, वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा थे, वो 2019 के वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे, अब वो 2022 के वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा है। ये बताता है डोमेस्टिक में उन्होंने लगातार परफॉर्म किया और उनके दम पर उनकी वापसी हुई। और जब जब उन्हें टीम इंडिया के लिए मौका मिला, बेशक आप कह लें कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन परफॉर्म तो उन्होंने किया, लेकिन उनको उतना बैकअप नहीं मिला जितना बाकी क्रिकेटर्स को किया जाता था। किसी भी कप्तान ने आज तक उनको बैक नहीं किया, अगर उनको थोड़ी वो बैकिंग मिली तो वो मिली रोहित शर्मा से, वो भी पिछले एक साल में। लेकिन अब जब रोहित शर्मा का करियर खुद खत्म होने को है एक दो साल में, दिनेश कार्तिक खुद 37 साल के हो गए, उनको भी पता था कि ये टूर्नामेंट ही उनका लास्ट होगा, और इस बात की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि वो 2023 के IPL में क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे।